चंपावत जिले के सुप्रसिद्ध मां बाराही धाम में बग्वाल साड़ी मेला 2022 के सफल संचालन हेतु विभिन्न व्यवस्थाओं को लेकर देवीधुरा मेला स्थल सभागार में जिलाधिकारी नरेंद्र सिंह भंडारी की अध्यक्षता में बैठक संपन्न हुई। मेला के आयोजन के संबंध में विभिन्न व्यवसायों को लेकर चर्चा होगी। बता दें, बैठक में 8 अगस्त 2022 से 19 अगस्त 2022 कुल 12 दिन की मेला अवधि को निर्धारित किया गया। मेले का मुख्य आकर्षण बग्वाल मेला पाषाण युद्ध 12 अगस्त को होगा। जैसा कि मैंने आपको बताया कि मेला विभाग के मेला घोषित हो चुका है, तो इसमें से अगर जो भी हमारी जिला पंचायत का सहयोग है अपना पूर्ण सहयोग देंगे, जैसे पहले से व्यवस्था चली आ रही है हम अपना पूरा सहयोग हम इसमें देखो अपना देंगे और भी और सुंदर जिला बनाने के लिए जिला पंचायत का पूरा सहयोग। इसमें इसको विभागीय मेला घोषित किया गया है और इसमें जो हमने बजट डिमांड शासन से लगभग 1 करोड़ की है वो हमने कर ली है और सांस्कृतिक दल इसमें और जो साज सज्जा है, ट्रैफिक कानून व्यवस्था है, विद्युत की व्यवस्था है, पेयजल की व्यवस्था है, सड़कों की व्यवस्था है, पार्किंग की व्यवस्था है, ये सारी जो व्यवस्थाएँ हैं इसके लिए आज ही बैठक की गई है और सभी विभागों को निर्देशित किया गया है कि जिला पंचायत और SDM साहब के माध्यम से जो भी आवश्यक कार्य हैं वो जल्द पूरे करने होंगे। कई रोड पे हमारा काम शुरू हो गया है, जो रोड टूटी थी यहाँ पे, और बाकी जो भी मेले की व्यवस्थाएं होनी है उसके संबंध में बैठक है। अभी लगभग 1 माह का समय है जिसमें सारे कार्य होने, तो हमें आशा है कि इस बार का मेला बहुत भव्य होगा और सारी व्यवस्थाएँ हमारी चालू रहेंगी। चंपावत में UPWWA के तहत टनकपुर क्षेत्र के पुलिस परिवार की महिलाओं, बच्चों व क्षेत्र के गरीब बालिकाओं को दिया जा रहा 10 दिवसीय बेकरी प्रोडक्ट बनाए जाने का प्रशिक्षण। पार्टी के पूर्व ब्लॉक प्रमुख लक्ष्मण सिंह लमगड़िया ने बग्वाल मेले को राज्य मेला घोषित करने की मांग की। इसको लेकर उन्होंने देहरादून में CM पुष्कर सिंह धामी से मुलाकात की। CM धामी ने इस संबंध में शीघ्र शासनादेश जारी करने की सहमति जताई। राजकीय औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान टनकपुर में प्रधानमंत्री नेशनल अप्रेंटिस मेले का आयोजन किया गया, जिसमें सितारगंज एवं रुद्रपुर की 20 से अधिक विभिन्न कंपनियों ने भाग लिया। वहीं औद्योगिक संस्थान के इस मेले में सभी व्यवसाय के प्रशिक्षणार्थी भाग ले सकते हैं। और राष्ट्रपति पद के उम्मीदवार द्रौपदी मुर्मू ने कल देहरादून पहुंचकर विधायकों व सांसदों से चुनाव में समर्थन की अपील की। उन्होंने कहा, यहाँ आप सभी का समर्थन लेने आई हूँ। देखिए आपका अपना लोकप्रिय चैनल द पब्लिक मैटर, सच वही जो हमने कहा।